फॉलो करते हैं, तो क्या बोलना पड़ता है करते हैं बोलना पड़ता है कितना रश आज के लिए पूरे वीकेंड में ज़्यादा है ना आप लोग अर्थ भी कर रहे हो इस टाइम में। देखो बच्चे को भी नहीं बनाया, बच्चा भी ऐसे बैठा हुआ। पेरेंट्स कौन है? बच्चे को सेव करो। आपका नाक भी खुला है। और कल्याण हमारे बड़े फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और आजकल काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं। और इस टूरिस्ट सीज़न में जो कोविड के SOPs हैं उसकी वायलेशन ना हो और लोग एहतियात बरतें ताकि कोविड का संक्रमण ना फैले, उसी संदर्भ में आज में मैंने कल्याण और डलहौजी का दौरा किया है। लोगों को जागरूक करने का भी हमारा प्रयास रहा है और खासकर जो स्थानीय लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनसे भी हमने ये अनुरोध किया कि वो लोगों को इंश्योर करें कि वो खुद भी मास्क पहनें और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी मास्क पहनें, ताकि किसी तरह से जो कोविड के प्रति जो लापरवाही है वो बिल्कुल ना हो और हम सतर्क रहें ताकि कोविड जो है वो नियंत्रण में रहे। हम सभी जानते हैं कि चंबा में अभी भी कोविड की जो सेकेंड लहर है वो अभी भी कंटिन्यू है, डेली हमारे काफ़ी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कल्याण में कुछ एक वायलेशंस भी हमने आज देखी तो उसके मौके पे भी चालान किए गए और पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, खासकर स्थानीय लोगों से और जो पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं, वो अपने यहाँ का स्थानीय जो हमारे यहाँ पर्यटक स्थल हैं उनका आनंद लें, लेकिन साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करें ताकि जो कोविड का संक्रमण है वो ना फैले और हमारा व्यवसाय भी चलता रहे और आम ज़िंदगी भी चलती रहे।